हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ है, मस्त है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो 11:30 हो चुके हैं, तो अभी पहले मैं तैयार हो रही हूँ, तो तब बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? तो तैयार होके मिलती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कहाँ जा रही हूँ मैं। लेट हो गई क्योंकि 12 बजने वाली है, तो मेरे को अभी पहुँचना है भरोली तल्ली। तो वहाँ मैं क्यों जा रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे बुआ लोग आ रखे हैं, मतलब बुआ लोग अपने ससुराल जा रखे हैं, तो उनको मैं लेने जा रही हूँ। तो जो संतरे उंतरे होंगे वो लाएंगे हम खाने के लिए, और फिर कल कचमोली बनाएंगे। तो बुआ लोग कल दिल्ली चले जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है, शायद कल ही जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ भरोली तल्ली। तो आपको भरोली तल्ली और मल्ली का दोनों का नज़ारा दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी वहाँ। मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है, डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और इतने घनी है। तो मेरा गाँव तो बड़ा है, उस हिसाब से मेरे को वहाँ बहुत मतलब ऐसा लगता है। तो चलिए आपको वहाँ ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ लोग रहते हैं या नहीं। तो चलिए, से दिख रहा है भरोली तल्ली। तो ये देखिए, यहाँ पहुँचना है मेरे को। यहाँ देखिए, ये घर दिख रहा है आपको, तो इधर पहुँचना है मेरे को, उससे इधर नीचे, और ये लास्ट रोड यहाँ तक ही जा रखी है, भरोली तल्ली तक। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सफ़र की। तो अभी तो मैं अपने ही गाँव के रास्ते पर हूँ। तो ये देखिए, आजकल टाइल्स और बहुत ही गीला हो रखा है इधर। तो अब मेरे को जाना है इस रास्ते, और बहुत ही गंदा हो रखा है ये वाला रास्ता। तो ये बीरोखाल को चले जाता है, और ये वाला भरोली टल्ला डुमेला को चला जाता है, पैदल वाला रास्ता। देखिए बहुत ही गंदा हो रखा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और रास्ता जो है ना, वो भी बहुत ही गंदा है, वो भी बहुत ही गंदा रखा है। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है भरोली तल्ली और मल्ली। वो देखिए, वो भरोली मल्ली दिख रहा है, ये भरोली मल्ली, ये भरोली तल्ली, ये देखिए। और यहाँ पे आश्रम बन रहा है सतपाल महाराज जी का। तो चलते हैं अब जल्दी से, अभी मेरे को वहाँ पे पहुँचना है टंकी के उधर, और उधर के रास्ते वो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता, इधर से जाऊँगी मैं अकेले अकेले। चलते हैं आज। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, और ये उस दिन जो कि यहाँ पे खेल हो रहे थे, ऊपर है बीरोखाल, और मैं यहाँ से जाती हूँ। देखिए वो है मेरा गाँव डुमेला मल्ला, और मैं अभी इस रास्ते पे हूँ, और यहाँ पे बहुत ही सन्नाटा हो रखा है, बहुत ख़तरनाक लग रहा है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस, आजकल भालू की भी डर रहते हैं इधर, क्योंकि भालू बाघ उग रहता है इधर, तो फिर अकेले अकेले थोड़ा डर लग ही जाता है। और मैं आज तक ऐसे लंबा सफ़र कभी ऐसे जगह नहीं गई हूँ अकेले अकेले, तो आज जा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है क्योंकि अपना डर लगा ही रहता है। और नीचे देखिए, नीचे भी बहुत ख़तरनाक खाई है, और ऊपर भी बहुत ख़तरनाक है। तो चलते हैं जल्दी से, बट डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। पहाड़ों की लाइफ तभी इतनी आसान नहीं होती यार, फिर भी हमारे यहाँ तो सही है, बट जैसे लोगों का गाँव होता है ना, वहाँ तो और भी ख़तरनाक ख़तरनाक है। तो यहाँ तो फिर भी उस हिसाब से नॉर्मल ही है। तो चलते हैं। तो गाइज, आपको ये दिख रहे हैं ये वाले पत्ते, तो इनमें ये बीज लगा है ना, तो भालू इनको ही खाने आता है, और यहाँ पे सारे वो ही पेड़ है। तो मेरे को तो और डर लग रहा है, भागो तो चलते हैं। नीचे पानी की टंकी भी है, जहाँ से मतलब पानी का पंप होता है ना, वहाँ से पानी आता है, तो वो अभी आएगा रास्ते में, और उसके बाद जाएंगे और पैदल, फिर आएगा भरोली मल्ली, उसके बाद आएगा भरोली तल्ली, और फिर उसके आगे एक गांव भी, मतलब एक गांव है उस पर, वहाँ पर 2 या 3 घर होंगे, और वहाँ पर सिर्फ एक परिवार रहता है, उसमें भी 2 लोग रहते हैं। तो वहाँ तो नहीं जाऊँगी मैं, बट भरोली तल्ली तक ही सफ़र रहेगा, क्योंकि वापस भी आना है घर अभी। वो देखो पानी का पंप वहाँ पे, गाइस वो वाली रोड दिख रही है आपको, ये आ रही है टल्ला डुमेला के सामने से। तो ये देखिए, ये पूरे घूम के और इधर से और इधर को, तो ये चली गई है तल्ली भरोली। तो अभी आपको तल्ली भरोली मल्ली भरोली से भी दिखाऊँगी कि रोड कहाँ तक गई है, मतलब तल्ली भरोली तक ही गई है, वो लोगों के घर के सामने उधर ही थोड़ा आगे तक गई है बस। तो देखते हैं ये वाली रोड इतने तक ही रहेगी या फिर आगे कहीं मिलेगी या नहीं। तो चलिए अब मल्ली भरोली में मिलते हैं आपको सीधा, ठीक है? देखिए ये है मल्ली भरोली, ये है मल्ली भरोली का नज़ारा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला गाँव। ये देखिए, अब मैं चलती हूँ अपने रास्ते, और मैं अब पहुंच गई हूँ तल्ली भरोली। तो यहाँ से शुरू हो जाता है शायद तल्ली भरोली, मेरे को इतना कंफर्म पता नहीं है, बट यहाँ से अलग अलग घर है, और
यहाँ पे मंदिर है, जय हो। तो चलते हैं अब। मैं जैसे ही नीचे आए तो मेरे को ये वाला रास्ता भी दिख गया। तो अभी ये वाला रास्ता ना ऊपर नहीं हुआ ख़त्म, ठीक है। तो ये रास्ता हुआ है आगे ही वहाँ पे लास्ट। तो मैं जा रही हूँ इधर से, मेन रास्ते से भी उधर से भी जा सकती हूँ, बट मैं जा रही हूँ इधर से ही जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मंदिर है, जय हो। यहाँ पे देखिए घर टूटे हैं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता मतलब। और ये है मंदिर, जय हो। और ये वाली यहाँ पे भी है मंदिर नीचे, तो ये बुआ लोगों की मंदिर है ये वाली। तो यहाँ तो मैं आई थी पिछली बार, जय हो। और ये वाले घर देखो, ये वाले घर में कोई नहीं टूटे फूटे, ऐसी है। लोग आते होंगे या नहीं, तभी मैं बोलती हूँ अपने पहाड़ अपने गांव आना चाहिए। साल में 2 बार आप बाहर रहो कोई बात नहीं, बट आपको अपना गांव आना ही चाहिए। और ये है तल्ली भरोली, अब आई मैं तल्ली भरोली। और यहाँ पे कितने सारे चबूतरे लगे हैं इस पेड़ में, देखो ये देखिए बहुत सारे लगे। तो ये है तल्ली भरोली, और तल्ली भरोली मैं पहुँच गई हूँ। तो चलते हैं इस रास्ते। यहाँ से मेरे को बहुत सारे संतरे दिख रहे हैं लोगों के पेड़ों में, यहाँ पे देखिए। पर अभी लोगों के संतरों पे डोरे नहीं डालने। ये देखिए इस वाले पेड़ में भी है, ये नींबू का है, इस वाले में भी है। ये देखिए छोटे छोटे संतरे। और यहाँ पे है घर, ये है पानी। और मेरे को जाना है इधर को, यहाँ पे गोबर फेंक रखा है पूरा रास्ते पे सुखाने के लिए। और ये देखो बाप रे, इतने बड़े बड़े चबूतरे, मीठे होते हैं। तो देखिए गाइस, ये है बुआ लोगों का घर, टूटने वाला है। संतरे मार। तो गाइस ये है बुआ लोगों का घर, जो कि बहुत ही ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं, और ऊपर वहाँ पे हमारी नानी जी है, शायद नानी जी बोलना है तो है। तो अब बुआ लोग वहाँ जा रखे हैं, बुआ और बुआ की देवरानी। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना ख़तरनाक हो रखा है इधर को। तो ये देखिए यहाँ पे चाय बना रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, दीदी दीदी बुआ है। तो यहाँ पे हमारी बुआ जी है, तो पहले बुआ जी को प्रणाम। वो मिल गया वो हार से, अच्छा हाँ। और ये देखिए बुआ जी चाय बना रहे हैं, वो भी चूल्हे में। ये देखिए पहाड़ी लाइफ स्टाइल ऐसा होता है ना। चाय बना दी है और अंदर लिपाई हो रही है अभी। और ये है मेरी बुआ जी, ये देखिए ये हमारे बुआ जी, बड़ी बुआ जी। तो बुआ जी कैसा लग रहा है आपको अपने गांव आके, ससुराल आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है ये आज। हाँ चलो मैं खान भी नहीं आने वाला, खानी खान आने में गाइस। यहाँ पे माल्टे देखिए बहुत सारे हो रखे हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर है, हम आप लोगों के लिए नहीं ला सकते।
है बुआ जी हाँ। हमाल डू मैं निजान भार हो कोई वाणी मैं ताई हूँ छू हाँ तो निजाने हमको सुन के ना दिले तोड़ने हाँ हो कग भाई हो चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद आप लोगों को मिलते हैं हम और हमारे साथ हमारी बुआ जी। गाइस हमने चाय पी ली है और बुआ लोगों के घर पे अब हम जा रहे हैं अपनी बुआ लोगों के घर पे है ना तीवर है तो पता इतना वो तो भैर भाई देखी मेरा तो मैं कभी भी नहीं रहन। बुआ लोगों के संतरे के पेड़ है ये देखिए बहुत सारे हो रखे हैं इस पे अमरूद देखिए अभी हरे हो रखे हैं छोटे छोटे बट बहुत सारे हो रखे हैं और ये देखिए इस वाले पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं। और ये है बुआ लोगों का घर ये है तिबरी तिबरी है कैसा लग रहा है आपको कब बनाना तुम्हें घर अब मेन रोड मतलब रोड आ ही गई है तो अब बना सकते हाँ और अपने घर भी आएंगे वो लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है यहाँ नीचे आने की तो यहाँ पे अभी कुछ टाइम हो रखा है तो अभी आई रोड तो अब देखते हैं कुछ एक हाँ अब एक डेढ़ साल में सोचेंगे और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सा घर बनेगा तब आपको दिखाएंगे है ना। ये देखिए ये इतने सारे संतरे बाप रे किसी को खाने हो तो आ जाइयो और खा लियो हमारे नाम ले सकता है कोई आपको यहाँ पे मना नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इतने लोग रहते नहीं हैं तो यहाँ से दिक्कत होती है ले जाने की नहीं तो हम ले जाते बट छोटे छोटे हो रखे हैं पर बहुत सारे हो रखे हैं ये देखिए गाइस। तो अब हमने इसमें से संतरे तोड़ने जितने ले जा सकेंगे उतने ही तोड़ेंगे बाकी इसी पर रहेंगे तो यहाँ के लोग यहाँ पे इतने लोग है भी नहीं कि खा पाए ऐसे ही होंगे गिरेंगे कोई ले जाएगा तो ले जाएगा नहीं तो ऐसे रहेंगे। और ये हमारे बुआ जी चलिए तोड़ते हैं फिर मिलते हैं आपको ठीक है जब हम तोड़ लेंगे क्योंकि वीडियो नहीं बना रहे हम। अब हम खाना खाएंगे ये देखिए बड़ी बुआ जी छोटी बुआ जी तो छोटी बुआ ने बनाया खाना और बड़ी बुआ के लिए थोड़ा बड़ा वाला वो है कुर्सी टेबल और छोटी बुआ जी खाना रख रहे हैं ये देखिए अरे बढ़िया बनू अब वाला बुआ के बना छो सभी इन वाला सभी खा जाओ घर खाना खाने गड़ो गड़ो बस है अरे दा ज्यादा नहीं रखे जर्जर रखे खाना हमें मिल गया है सबसे पहले मुझे ही मिला ये देखिए गांव में कुछ अलग ही मजा है गाइस खाना खा लिया है अब हम धूप सेक रहे हैं उसके बाद हम पैकिंग करेंगे और घर की ओर चलेंगे हमें जाना है पैदल यात्रा। गाइस देखिए ये है ऊपर जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मल भीतर है मतलब यहाँ नीचे है रसोई घर और ये है ऊपर सोने वाला रूम जो कि मिट्टी वाला होता है तो ये इस प्रकार है तो यहाँ फोटो देखो यकुंजा तो बुआ मेरे को भगार के अंदर भेज रही है यकुंजा है के भगार में अखरोट है इसके अंदर से निकालेंगे अभी मैं इसके अंदर जाऊँगी ये ठोकरी भरेंगे हम है ना। इस हमारा गढ़वालियों का भणतोल जो कि अलमारी होती है ये देखिए इसके अंदर सामान रखते हैं लालटेन है जब यहाँ पे लाइट नहीं रहती थी जिस टाइम लाइट थी भी नहीं तब और अब देखिए पंखे भी है भाई मिट्टी वाले घरों में ऐसे वैसे मत समझ जो तो जाने की तैयारी हो रही है और अभी मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे तो बुआ लोग घर पे गए हैं किसी के सामान देने तो चाय पियेंगे उसके बाद चलेंगे। 3 बजे की चाय हो रही है और उसके बाद हम चलेंगे घर की ओर पहले चाय पीते हैं तो यहाँ पे दोनों बुआ जी भी पी रहे हैं चाय। अब कब आना हाँ।
टैक्सी ले लें कच्ची रोड तो आई गया आप पक्की रोड है जली तो जाने की तैयारी हो गई है और ताले वाले लग गए हैं बंद कर दिया है बिल्कुल फिट फॉट जैसे पहले था और यहाँ पे हमारे बुआ जी बैठे हैं ये देखिए अरे तोड़ना किला छवा देखिए ये होता है प्यार कुटरा कुटरी में कुटरा कुटरी में होता है ये प्यार विदाई समारोह यहाँ पे बरात अजकल बरात नहीं आना बुलडोजर च क्या यार बुआ ओके बुआ जी हाँ धूप भी जाने वाली है और हम भी जाने वाले हैं अपने घर तो चलते हैं अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं एक गाय बार बार आ जा रहे हैं यहाँ तो गाय यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं अपने पितृदेव की भूमि का क्या कम बोले सदवान महाराज जी कण के अब रोड आई है बोले जरिए कम भी बना दिया है बड़ा देखिए पुराने जमाने वाला घर कितना सुंदर लग रहा है तो हम जा रहे हैं और ये जो जितने भी घर हैं यहाँ पे पुराने वाले यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं सब लोग चले गए हैं यहाँ से तो यहाँ पे ओनली 10 9 9 परिवार है 9 परिवार और जिसमें से 3 रहते हैं गाँव में बस वो भी एक 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 लोग रहते हैं बस फैमिली में एक के दोनों बुआ जी आगे से लगे हैं और रो रो ले जा रहे हैं अब मुझे और मेरे सर पे तो है कट्टा संतरे का भरा और यू मेरा इना वाली इना तो मैं आन छा और वो देखिए हाथ ला जाओ जरा मला फंडावा ये देखिए ये मेरे सब्सक्राइबर की मम्मी जी यहाँ मिल गई है बाय तो बुआ लोग इस रास्ते ले जा रहे इसलिए हम ऊपर से नहीं जा पाए हैं हाँ ओ धन्यवाद कट्टा है संतरे का इसमें संतरे डाल के सारे और मैंने सर पे रखा है तो ले जा रहे हैं और आधे ये हम गांव में खाएंगे आधे दिल्ली जाएंगे बुआ लोग ले जाएंगे ये देखिए बुआ जी और रास्ता रास्ता ले जा रहे हैं बहुत लॉन्ग पड़ेगा कहाँ इनको लगेगी है ना क्योंकि सफर कल बुआ लोगों ने ही करना है मैंने तो घर पे आराम करना है गाइस देखिए इतना खतरनाक रास्ता होता है पहाड़ों में मैं ही नहीं आ पा रही हूँ तो बुआ लोग कैसे आएंगे खतरनाक है हाय फाइनली पहुँच गए ऊपर मेरी बुआ पहुँच यहाँ पे फिर आराम कर रहे हैं और ऊपर है बीरोखाल वो है हमारा ब्लॉक और जा गए हैं यहाँ पे टलडू मेला की रोड के ऊपर और यहाँ से हमारा गांव भी दिख जाता है वो देखिए ये है हमारा घर इसके पीछे है तो यहाँ से डुमेला दिखना शुरू हो गया तो इधर हम आते हैं दिहाड़ी करने आपने ब्लॉग देखा ही होगा कि हम यहाँ दिहाड़ी करने आते हैं नीचे तो बुआ लोग थक गए हैं है ना खैर आ गया इन वाला भाई भरल बटा अब जल्दी पक्की रोड बनाओ तब जाने कल तो भरल बनाई वहां जरा मत ही मिस नहीं बनाए अब बनाए तो रोड के लिए नहीं बनाए बड़ा तो रोड के लिए नहीं ये तो भरल करे बोले भरल करो मैं बोले कि तुम भरल उठ बता किला बनाबो अब उजूल बनाओ तो वो तो अब छै भी नहीं छी कैम ये जवाब नहीं आता रोड बनाबो कैसा लग रहा है बुआ
कल लागू बुआ मस्त लागू है। अब देखिए हम अपने गांव के रोड पे पहुंच गए हैं और अब हम चलते हैं घर पे। ठीक है, अब सीधा सीधा जाना है हमें आराम से। तो गाइस देखिए हम पहुंच गए हैं घर पे। ये देखिए अब हम पिसाना चाहो देगा हम आप थैला पिसाना चाहो। देखिए यहाँ पे ये हरी भुज्जी है और ये रोटी, तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि भुज्जी है ना, के की राई भुज्जी। और ये कहना बोलती डेमने रोटा जो कि कोदे के आटे के होते हैं। तो हमारे दोनों बुआ जी कल जा रहे हैं, तो आज लास्ट दिन है, फिर पता नहीं कब आएंगे कब मिलेंगे है ना। बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम बाद मुलाकात होती है, तो आज हमने कहा कि आपको पहाड़ी साग सब्जी खिलाएंगे। ठीक है।